मत करोगे पीटर बनोगे। वो दिन गए आज, फिर काम नहीं करोगे लीडर बनोगे, वो नहीं होगा जब बनोगे तो। हां ठीक है सर, गांधरबल में इतने विजिट किया है, आपको क्या लगा कि गांधरबल के लोगों के साथ आज तक क्या हुआ है? देखिए, हमारी आज़ादी के 75 साल हो गए हैं और जम्मू कश्मीर में आप देखोगे गांधरबल किसकी कौन सी थी, ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, फिर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उसके बाद उसका बेटा फारूक अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर रहा है, उसके बाद शेखुल्ला का पोता उमर अब्दुल्ला जो भी चीफ मिनिस्टर रहा है। आप देखो पानी ही नहीं है, मैं गुटलीबाग बिल्कुल पास में है शहर के, गांधरबल के हार्ट ऑफ द गांधरबल है गुटलीबाग, यहाँ पानी नहीं है। लोग जो यहाँ पश्तून की कम्युनिटी के ज़्यादा लोग यहाँ हैं जो खैबर मोहल्ला है, मैं हैरान होता हूँ, आप पानी नहीं दे सकते हो कश्मीरी को, मतलब ये हद हो गई। हिंदुस्तान बरसात कर रहा है पैसों की। मैं आपके माध्यम के थ्रू सरकार से, स्पेशली डीसी साहब से और जो डायरेक्टर JJM हैं जल जीवन मिशन के, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो फिल्ट्रेशन प्लांट यहाँ है ये बिल्कुल तैयार है, सिर्फ ट्रांसफार्मर को इलेक्ट्रिक कनेक्शन देना है। इस कारण ये 3 साल से बंद है और लोग दर बदर हो रहे हैं पानी के लिए, इनको ऊपर जाना पड़ता है चश्मों के पास। तो मैं अपील करूँगा सरकार से कि इस पर फौरन कार्रवाई हो और ध्यान दे जो बेसिक रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूवमेंट करे, क्योंकि ये लोग कौन, ये वो लोग हैं जिन्होंने देश का झंडा ऊँचा रखा है। ये अभी मैं आपको देखो कैसे नारा देते हैं, आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान। ये वो लोग हैं जो देश के गीत गाते हैं, इनके साथ नानसाफी बंद हो और इनकी जो जेन्युइन डिमांड्स है वो पूरी करें, बस इस कारण हम बार बार यहाँ आते हैं।